हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इमेजिन करो एक इनविजिबल सा बैरियर है जिसने पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से को कवर कर लिया है। मतलब इसके ना कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई इसके बाहर जा सकता है, और अगर गलती से भी किसी ने इस बैरियर को पार करने की कोशिश की तो उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। अब ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि बैरियर के अंदर फंसे लोगों का बाकी दुनिया से कनेक्शन ही टूट जाएगा, और अल्टीमेटली होगा ये कि बैरियर के अंदर रहने वाले लोग प्रॉपर टेक्नोलॉजी ना मिलने के कारण एक प्रिमिटिव लाइफस्टाइल जीने लगेंगे, और वहीं बाहर की दुनिया टेक्नोलॉजी के मदद से कंटिन्यूअसली एडवांस होती रहेगी। यानी इस इनविजिबल बैरियर के अंदर और बाहर के लोगों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देने लगेगा। अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि गौरव ये क्या अनरियल कॉन्सेप्ट पर बात की जा रही है जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो गाइस, भले ही आपको ये सिनेरियो अनरियल लग रहा होगा, लेकिन लेट मी टेल यू, रियलिटी में एक ऐसा इनविजिबल बैरियर है जिसने इंडोनेशिया के इन दो आइलैंड्स को सेपरेट करके रखा हुआ है। Now, I'm not kidding. Just take a look at this. इस मैप में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों आइलैंड बस 35 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी इन पर जो एनिमल्स है वो एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। अब चलो, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का तो समझ आता है कि वो बीच में मौजूद पानी के कारण ट्रैवल नहीं कर सकते, पर ताजुब की बात तो ये है कि यहाँ के बर्ड्स और यहाँ तक कि एक्वेटिक एनिमल्स भी इस इनविजिबल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। सो ऑल इन ऑल ये दोनों भी आइलैंड्स अपने आप में दो अलग दुनिया है, जिसे बाय द वे एक साधारण से इंसेक्ट कलेक्ट करने वाले अनएजुकेटेड अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने डिस्कवर किया था। वेल, मिस्टर वॉलेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो चार्ल्स डार्विन के लेवल पर पहुंचेंगे। सो वॉलेस का जन्म 8 जनवरी 1823 को इंग्लैंड के वेल्स में हुआ, एक गरीब घर में। इसीलिए बचपन से वॉलेस का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि उन्हें पढ़ लिख कर करोड़ों की भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनानी थी और अपने साथ अपने परिवार की भी हालत को सुधारना था। बट Unfortunately, पैसे ना होने की वजह से वॉलेस को 6 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई को छोड़नी पड़ गई। पर इस इंसिडेंट से उनका हौसला बिल्कुल भी नहीं छूटा और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर के लाइब्रेरी का सहारा लिया। अब क्योंकि वॉलेस के पिता एक सर्वेयर थे, यानी कि अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करके उन जगहों के मैप्स को बनाते थे और साथ ही एक स्किल्ड गार्डनर भी थे, इसी वजह से उनके लाइब्रेरी में ढेर सारे मैप्स और गार्डनिंग की किताबें मौजूद थी, और इन्हीं किताबों ने वॉलेस को नेचर और बायोलॉजी को देखने का एक अलग ही नजरिया दे दिया, एक अलग पर्सपेक्टिव। इस वजह से वॉलेस नेचुरल हिस्ट्री और प्रकृति की तमाम चीजें कैसे इवॉल्व होती है इसमें रुचि लेने लगे। लेकिन फिर एक बार फाइनेंशियल कंडीशन बद से बदतर होने की वजह से उन्हें अपनी इन रुचियों को नजरअंदाज करना पड़ गया। यहाँ तक कि उन्हें अपना मन मार के अपने भाई और पिताजी के लैंड सर्वेइंग बिजनेस में शामिल होने का फैसला लेना पड़ा। पर उनको ये नहीं पता था कि उनका यही फैसला उन्हें एक इनविजिबल बैरियर खोजने में मदद करने वाला था। अब जैसे ही उनकी हालत सुधरते हुए दिखाई दे रही थी, अचानक से वॉलेस के भाई का देहांत हो जाता है और उनका बना बनाया फैमिली बिजनेस ठप पड़ जाता है। इस मुसीबत की घड़ी में उनकी मुलाकात हुई हेनरी वॉल्टर बेट्स से। बेसिकली बेट्स एक एंटोमोलॉजिस्ट थे, आसान भाषा में कहूं तो कीड़े मकोड़े के एक्सपर्ट। इस मुलाकात में उन्होंने वॉलेस को अपने इस कला से परिचित कराया, जिसके बाद दोनों ने उनके इस जॉब को एक फुल टाइम बिजनेस में तब्दील करने का प्लान बनाया। उन्होंने देखा कि उस वक्त विक्टोरियन सोसाइटी में रेयर स्पीशीज के एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स के काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे, और अगर वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते तो वॉलेस की फाइनेंशियल कंडीशन सुधरती और दूसरा बायोलॉजिकल वर्ल्ड में उनका शायद नाम भी हो जाता। और इसीलिए 1848 में वॉलेस और बेट्स दोनों ने शिप लेकर रेयर स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए ब्राजील की ओर जाना शुरू कर दिया। ब्राजील में लगातार 4 साल स्पेसिमेंस कलेक्ट करने के बाद जब वो अपने घर लौट रहे थे तब वो काफी खुश थे, क्योंकि उन्होंने एक रेयर टूकन को पकड़ा था जिसे उस समय तक किसी ने नहीं पकड़ा था। यानी सिंपली उन्हें अभी सब पहचानने लगने वाले थे। पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उनके वापसी के दौरान ही सैडली उनके शिप में आग लग गई और उनके सारे स्पेसिमेंस जल के राख हो गए। उनका ये फेमस बनने का सपना बस एक सपना ही बन के रह गया। वेल, अब भले ही ये दिखने में एक मिसफॉर्च्यून लग रहा हो, लेकिन यहीं से शुरू होती है उनके इनविजिबल बैरियर खोजने की कहानी। सो हुआ यूं कि इस हादसे के बाद वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ 18 अप्रैल 1954 को इंग्लैंड से अपने दूसरे एक्सपेडिशन इंडोनेशियन आइलैंड्स मलाय आर्किपेलेगो की ओर निकल पड़ी। इस एक्सपेडिशन में उनका फर्स्ट स्टॉप था सिंगापुर, जहां से वो आगे इंडोनेशिया के एक छोटे से आइलैंड सुलावेसी पर जाने वाले थे। पर उनकी सुलावेसी की शिप छूट गई और उन्हें नजदीकी बाली आइलैंड पर जाना पड़ गया।
बाली पहुंचते ही उन्हें वो जगह इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने वहां पर अपना सर्वेइंग और स्पेसिमेन कलेक्शन का काम शुरू कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद प्लांट्स और एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया और उनकी वैरायटी इन स्पीशीज और डाइवर्सिटी को नोट किया। तब उन्हें मेजरली जो एनिमल्स के स्पीशीज दिखे वो थे टाइगर्स, राइनोस, एलिफेंट्स जैसे एनिमल्स और बैरेट्स, वुडपेकर्स जैसे पैकिंग बर्ड्स। फिर कुछ महीनों तक रेयर स्पेसिमेंस कलेक्ट करने के बाद वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए बाली से बस 35 किलोमीटर दूर लॉम्बोक आइलैंड पर चले गए एंड ही वाज शॉक्ड। उन्हें लगा कि वो किसी पोर्टल के थ्रू बाली से हजारों किलोमीटर दूर आ गए हो, क्योंकि भले ही ज्योग्राफी के मुताबिक ये आइलैंड बस 35 किलोमीटर ही दूर था, लेकिन इन पर पाए जाने वाले जानवरों में जमीन आसमान का फर्क था। इस नए आइलैंड पर बाली में मिलने वाले जानवरों का नामो निशान तक नहीं था। इंस्टेड उन्हें यहाँ पर मॉनिटर लिजर्ड्स, कैंगरूस, कोआलास, प्लैटिपस ऐसे जानवर और बर्ड्स ऑफ पैराडाइज जैसे कलरफुल बर्ड स्पीशीज दिखाई दिए। देखो, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में वैरायटी होना कुछ हद तक लॉजिकल साउंड करता है, क्योंकि बाली और लॉम्बोक दोनों ही आइलैंड्स हैं, पर बर्ड स्पीशीज में दिख रही डाइवर्सिटी का उनके पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। उन्हें लगने लग गया कि जैसे कोई इनविजिबल, लिमिटलेस स्पिरिचुअल एनर्जी की ये लाइन है जो पूरी ताकत से दोनों आइलैंड्स के ऑर्गेनिजम्स को क्रॉसओवर करने से रोक रही है। इस इनविजिबल एनर्जी की लाइन को फिर उन्होंने नाम दिया द वॉलेस लाइन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने इस नई खोज को दुनिया के सामने लाने से पहले ही वो मलेरिया से इन्फेक्ट हो गए, और यही मलेरिया एक्चुअल में उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा। मलेरिया के कारण बेडरिडन वॉलेस के पास उनकी वॉलेस लाइन के बारे में सोचने के लिए काफी फ्री टाइम था, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने बिना किसी हाईटेक इक्विपमेंट के जरिए एक ऐसी हाइपोथेसिस बनाई जो ऑलमोस्ट वॉलेस लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। सो उनके अनुसार एक इमेजिनरी लाइन व्हिच इज नथिंग बट बायोजियोग्राफिकल बाउंड्री के फॉर्मेशन का रीजन है पृथ्वी का जियोग्राफिकल एवोल्यूशन। सिंपल शब्दों में, पृथ्वी के पास्ट में हुए कुछ जियोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से आज हमें ये बाउंड्री नजर आ रही है। एंड इस मोमेंट पर उन्हें क्लिक हुआ कि बाली में मिलने वाले सारे एनिमल्स लाइक टाइगर्स, राइनोस, एलिफेंट्स सभी एशिया में पाए जाते हैं, और वहीं पर लॉम्बोक में पाए जाने वाले जानवर लाइक मॉनिटर लिजर्ड्स, कैंगरूस, कोआलास, प्लैटिपस ये सभी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इस लाइन ऑफ रीजनिंग पर उन्होंने अपनी एक थियरी बनाई, जिसमें उन्होंने बताया बाली 360 मिलियन ईयर्स पहले हुए आइस एज के समय एशिया से कनेक्टेड था और लॉम्बोक आइलैंड ऑस्ट्रेलिया से, और इसीलिए एशिया के एनिमल्स बाली तक और ऑस्ट्रेलिया के एनिमल्स लॉम्बोक तक आसानी से ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन आइस एज के खत्म होते ही इनके बीच के लो लाइंग एरियाज में पानी भरना शुरू हो गया और एनिमल्स वहीं उन आइलैंड्स पर फंसे रह गए। साथ ही उन्होंने ये नोटिस किया कि दोनों भी आइलैंड्स पर जो बर्ड्स पाए जाते हैं वो नॉन माइग्रेटरी है। इन नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स का प्रॉब्लम ये है कि इनके बॉडीज लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के लिए एडेप्टेबल नहीं होते, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स की तरह वो फ्लाइट के दौरान अपनी एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, जिसकी वजह से खाने की खोज में वो सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी ही तय करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया, इन दोनों आइलैंड्स के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है, जो इनके लिए तय करना नामुमकिन है। अब रही बात पानी में रहने वाले बींग्स की, तो उनकी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मदद लिया डीप सी करंट्स का। वॉलेस के हिसाब से इस रीजन में काफी स्ट्रॉन्ग डीप सी करंट्स जनरेट होते हैं जो इन एनिमल्स को ट्रैवल करने से रोकते हैं। इसका फोर्स इतना होता है कि ये इन एक्वेटिक एनिमल्स को तक ट्रैवल करने से रोकते हैं। एंड सो टू सम इट अप, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अलग होने का रीजन था इन दोनों आइलैंड्स का दो अलग कॉन्टिनेंट्स का हिस्सा होना, बर्ड्स के अलग होने का रीजन था उनका नॉन माइग्रेटरी होना, और एक्वेटिक एनिमल्स के अलग होने का रीजन था डीप सी करंट्स। अब फ्रेंड्स, देखा जाए तो उनका ये एक्सप्लेनेशन काफी लॉजिकल था, लेकिन कोई साइंटिफिक बैकिंग ना होने की वजह से उनके इस वॉलेस लाइन को साइंटिफिक कम्युनिटी ने मानने से इनकार कर दिया। नतीजा, इसके बाद उनके साथ जो हुआ वो मेरे लिए भी डाइजेस्ट कर पाना काफी मुश्किल था। जरा इसे देखो, ये 1866 में लिखा गया चार्ल्स डार्विन का वो लेटर है जिसमें वो वॉलेस के काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वॉलेस ने 1858 में उनको अपने इंडोनेशिया के फाइंडिंग्स लिखकर भेजे थे। यानी क्लियरली डार्विन ने अपनी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक वॉलेस के मदद से लिखी थी, बट देन जैसे कि आप देख सकते हो इस बुक में कहीं पर भी वॉलेस का जिक्र तक नहीं है। दरअसल वॉलेस ने अपने रिसर्च के दौरान एक एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया सैरावैक लॉ करके, जिसके अनुसार हर स्पीशीज उनके पहले वाले स्पीशीज से इवॉल्व होती है, और फिर इसके बारे में उन्होंने अपने पार्टनर डार्विन को कुरियर करके बताया, क्योंकि उन्हें लगा कि डार्विन उन्हें अप्रिशिएट करेंगे।
अब इंस्टेड डार्विन ने वॉलेस को धोखा देते हुए उसके इसी कॉन्सेप्ट से डिराइव्ड अपनी फेमस थियरी ऑफ एवोल्यूशन पब्लिश कर दी एंड द फादर ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का खिताब अपने नाम पर दर्ज करवा दिया। पर वॉलेस इस केस में काफी अनलकी साबित हुए क्योंकि इनके हाइपोथेसिस को प्रूव करने वाली थियरी प्लेट टेक्टोनिक्स उनके मौत के 50 साल बाद इजाद हुई। सो आज हम बिलीव करते हैं कि प्लेट्स टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से मूव करते हैं, लेकिन उस समय में कोई ये बिलीव नहीं करता था। प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब आसान भाषा में अर्थ के लेयर्स का मोशन है जो अर्थ के फॉर्मेशन के वक्त से चला रहा है। अब वॉलेस के चल बसने के बाद जब ये थियरी इंट्रोड्यूस हुई थी, वॉलेस का सबसे पहला हाइपोथेसिस कि बाली एशिया से कनेक्टेड था और लोम्बोक ऑस्ट्रेलिया से, ये सच साबित हो गया क्योंकि जब साइंटिस्टों ने टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी पर एक मॉडल बनाया उसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि बाली और लोम्बोक आइस एज के बाद ही अलग हुए हैं, जो तेज डीप सी कन्वेक्शन करंट को पैदा करता है जिसकी वजह से पानी भी क्रस्ट के अंदर पड़े लावा तक पहुंच जाता है। अब जब ये पानी भाप बनकर तेजी से ऊपर आता है तो वो क्रस्ट को पुश करके लावा के बाहर निकलने की जगह बनाता है, और अब जब हॉट लावा पानी के कांटेक्ट में आता है, डीप सी का गर्म पानी ऊपरी सतह के ठंडे पानी के साथ जबरदस्त डीप सी कन्वेक्शन बनाता है। इससे दोनों तरफ के पानी के बीच में एक टेम्परेचर की वॉल बन जाती है जो एक्वेटिक एनिमल्स के ट्रैवल में बाधा डालती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप एक ओशन में तैर रहे हो जिसका टेम्परेचर है -200 डिग्री सेल्सियस और तभी आपके सामने एक कोल्ड स्लैश हॉट करंट आ जाता है, तो पानी का टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप या तो फिर राइज होगा जिसके वजह से आप उसमें तैर नहीं पाओगे और एक तरीके से वो लाइफ की फेवरेबिलिटी के लिए एक वॉइड क्रिएट कर देगा। और बिल्कुल यही हुआ उन एक्वेटिक एनिमल्स के साथ। पर अफसोस, अगर प्लेट टेक्टोनिक्स पहले डिस्कवर हुआ होता तो 1.25 लाख प्लांट स्पीशीज, 1500 इंसेक्ट स्पीशीज और दो प्रॉमिसिंग थियरीज देने वाले समबडी आज नोबडी बनके नहीं मरते। एंड फ्रेंड्स, आई थिंक ये सही में एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है साइंटिस्टों के लिए, बिकॉज कई बार उनकी डिस्कवरीज उस समय के हिसाब से इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग होती है कि उसका क्रेडिट उन्हें उस समय नहीं मिलता। इनफैक्ट कोई भी समर्थन नहीं देता उस थियरी का, कोई उस पर बिलीव नहीं करता। बट कुछ सालों बाद ये प्रूव हो जाता है कि उन्होंने जो इतने सालों पहले कहा था वो एक्चुअली सही है। बट टू बैड वो साइंटिस्ट तब तक जिंदा नहीं रहते और उन्हें कभी रिवॉर्ड नहीं मिल पाता उनके इस इतने इंपॉर्टेंट डिस्कवरी का। ऐसा ही सेम किस्सा हुआ नोबेल प्राइज डिजर्विंग इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी के साथ भी, जिनका नोबेल प्राइज उनसे छीन कर चाइना के साइंटिस्ट को दे दिया गया, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है। बेसिकली आज जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, मिस्टर कपानी को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। सो चेक आउट दिस वीडियो टू नो द एंटायर स्टोरी। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।